नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद सास बहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नान खटाई, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैदा, देसी घी, पिसी हुई चीनी और ये बेसन, मगज, थोड़ा सा नमक और दूध, और हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं नान खटाई, जिसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में घी डालेंगे। आधा कप घी लिया है यहाँ पर हमने और आधा कप ही पिसी हुई चीनी ली है। आप घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, घी और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें मैदा डालेंगे। यहाँ पर हमने एक कप मैदा ली है, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे। और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि मीठे में नमक का टेस्ट और ज्यादा बढ़ा देता है, टेस्ट और अच्छा हो जाता है थोड़ा सा नमक डालने से। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये डो हमारा रेडी हो गया है नान खटाई का, और अब हम इसकी नान खटाई बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, पहले राउंड राउंड कर लेंगे, फिर हल्का सा प्रेस करके इसको फ्लैट कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, इसमें हल्का सा घी लगा लिया है। इसी तरह से इसमें सारी नान खटाई बनाकर रख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस पे चाकू से डिजाइन बना देंगे इस तरह से। ये देखिए, चाकू की बैक साइड से इस तरह से। और अब हम इस पे हल्का सा दूध लगाएंगे। और इसके ऊपर खरबूजे के बीज लगा देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन हम आज विदाउट ओवन बनाएंगे, इसको गैस पर बेक करेंगे। यहाँ पर हमने गैस में भगोना रखकर उसको प्री हीट करने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ा हुआ है। 5 मिनट प्री हीट होने के बाद हम अपनी नान खटाई इसमें रख देंगे। कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर खाली भगोना लिया है, उस पर स्टैंड लगाकर उसके ऊपर ये प्लेट रख देंगे। इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। आप बीच में इसको चेक कर लीजिए, अगर आप ओवन में इसको बनाएंगे तो यही टाइमिंग ओवन में भी रहेगी इसकी। सारी नान खटाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है, एक बार की बेक हो रही है, बाकी हम इनको दूसरी बार बेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और ये नान कढ़ाई अच्छे से बेक हो गई है, और अब हम इनको निकाल लेते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमने दूसरी बार ये नान कढ़ाई रख दी है बनने के लिए। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम सिम रखनी है, बिल्कुल कम रखना है, कम गैस पे ही इनको बेक करना है। और ये जो हमें नान खटाई प्लेट में रखनी है, थोड़ा स्पेस बनाकर रखना है, क्योंकि ये जब बेक हो जाएंगी अच्छी तरह से तो ये फूल जाती है, इनका साइज बड़ा हो जाता है, तो ये आपस में चिपक जाएंगी। इनको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, नॉर्मल हो जाने पर प्लेट से निकालेंगे इनको। फ्रेंड्स, नान खटाई बनकर के हमारी तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, आप लोग बनाएं, ट्राई जरूर करें एक बार इनको।
और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसी बनी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तक हमारे नए नए वीडियो पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।